किताब पढ़ता था, दादी पेज घुमाती थी और फिर मुझे, मैं उनसे सवाल पूछता था और वो मुझे जवाब देती थी। शायद 45 साल पुरानी बात बता रहा हूं। और मैंने उनसे एक दिन पूछा कि दादी, ये आदिवासी शब्द जो है, इसका मतलब क्या है? और जैसे आप जानते हो, वो आदिवासियों से बहुत प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, आपसे बहुत गहरा रिश्ता था उनका। तो मैंने ये सवाल पूछा, मैंने पूछा, छोटा सा था मैं, मैंने पूछा ये आदिवासी शब्द क्या होता है। और मुझे आज तक याद है इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, और मैं आज आपको वो बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के, ये हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं। ये जो हमारी जमीन है, सुनिए सुनिए, ये जो हमारी जमीन है जिसको आज हम भारत कहते हैं, ये जमीन इन आदिवासियों की जमीन थी। और फिर उन्होंने कहा जो आज का मॉडर्न समाज है उसको आदिवासियों से जिंदगी जीना समझना चाहिए। ये उनके शब्द हैं। जल, जंगल, जमीन के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या रिश्ता होना चाहिए, आदिवासियों से सीखना चाहिए। मगर एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि आदिवासी इस देश के, इस धरती के पहले निवासी थे। और उन्होंने यह भी कहा कि सालों पहले आदिवासी पूरे हिंदुस्तान में रहते थे और आस्ते 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 उनको धकेला गया। तो यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई, आदिवासी पहले निवासी थे और ये जो पूरा देश है, इसकी जमीन पहले आदिवासियों की हुआ करती थी। तो जब आप यहां शहीद हुए, हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल मालिक थे वो यहां अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हुए। अब बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहलाते हैं, ये पूरा का पूरा देश आपका है और हम चाहते हैं कि आप जो भी करें, जहां भी करें, आप सफलता प्राप्त करें। चाहे आपके बच्चे कॉलेज में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, हवाई जहाज उड़ाना चाहें, कंप्यूटर चलाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, इंडस्ट्री को चलाना चाहें, हम चाहते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने बच्चों के लिए सपना देखना चाहते हैं, वो आपका सपना पूरा होना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो,
आप हिंदुस्तान के पहले निवासी नहीं थे, वो कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो, मतलब आप इस देश के ओरिजिनल मालिक नहीं हो, आप तो जंगल में रहते हो। यह आपका अपमान है, यह भारत माता का अपमान है, सिर्फ आदिवासियों का नहीं पूरे देश का अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, यह पहले आपकी जमीन थी। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि आप जंगल में रहो, जंगल के बाहर ना निकलो, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, बिजनेस ना चलाएं, हवाई जहाज ना उड़ाएं, प्रोफेसर ना बने। वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं, मतलब आप जंगल में रहते हो, आप दूसरे लोगों से कम हो। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम इस बात को कभी नहीं मान सकते। आप इस देश के मालिक हो, यह जमीन आपकी जमीन है और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए। अच्छा, फिर आपसे कहते हैं आप वनवासी हो और फिर आप ही के जंगल को आप ही के हाथों से छीनकर अदानी जी को पकड़ा देते हैं। वनवासी आपको कहते हैं, मगर जब हमने आपको जंगल का, जमीन का, जल का हक दिया, पैसा कानून दिया, आदिवासी बिल दिया, तो बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या किया? वो जो औजार हमने आपको दिए थे, उन्होंने एक के बाद एक रद्द कर दिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो और फिर आस्ते 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 जंगल को वो काटते जाते हैं, आस्ते आस्ते जो आपके हक हैं उनको वो छीनते जाते हैं, आपकी जमीन जो है उसको छीनते जाते हैं। वो अंत में चाहते हैं कि वो आपको वनवासी कहें और हिंदुस्तान में जंगली गायब हो जाए, तो आप कहीं के नहीं रहो। आप आदिवासी हो, आदिवासी थे और आदिवासी रहोगे, और इस बात को कोई बदल नहीं सकता, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। हिस्ट्री की किताब में कोई कुछ लिख ले, सच्चाई यह है कि यह जमीन पहले आदिवासियों की थी और आदिवासियों को इस देश में हक मिलना चाहिए, कोई भी सपना देखने का हक मिलना चाहिए। आज मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया और अपने भाषण में मैंने कहा कि हिंदुस्तान एक आवाज है, हर नागरिक की आवाज है, आदिवासियों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है, जनरल कम्युनिटी की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। और जहां भी ये बीजेपी के लोग जाते हैं, हिंदुस्तान की आवाज को चुप करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी। 3-4 महीने से मणिपुर में आग जल रही है,
लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में बोला, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। और देखिए, तीन चार महीने से आग लगी है। अगर प्रधानमंत्री चाहे दो तीन दिन में उस आग को बुझा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की सेना को कहा कि इस आग को दो दिन में बुझा दो, हिंदुस्तान मणिपुर में जो आग जल रही है उसको दो दिन में बुझा देगी। मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। उन्होंने तो बांटा है मणिपुर को। और देखिए, तीन महीने हो गए, ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मैं वहां गया, रिलीफ कैंप्स में गया, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, गले लगा। विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। एक शब्द आज तक नहीं बोला। जहां भी ये जाते हैं किसी ना किसी को लड़ा देते हैं। आदिवासियों को कहेंगे तुम्हारी जमीन नहीं है, नफरत फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, बाकी लोगों के बारे में गलत शब्द प्रयोग करेंगे। इससे देश को फायदा नहीं होता। राजस्थान में देखिए, हमारी